दोस्तों आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले तीन टीमों के लिए यहां पर काफी अच्छी खबर निकल कर आ रही है जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और आप कौन से खिलाड़ी को मेगा ऑक्शन में देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटिंग है कमेंट कर हमें जो है वो जरूर बताएं। आईपीएल 2025 के ऑक्शन की तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है, लगातार बड़ी बड़ी खबरें जो है वो निकल कर आ रही है। इस साल का ऑक्शन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि मेगा ऑक्शन होने वाला है जहां पर टीमें सिर्फ कुछ ही प्लेयरों को रिटेन करेंगी और मैक्सिमम प्लेयर जो है वो रिलीज होते हुए नजर आएंगे। कुछ दिनों पहले ये खबर निकल कर आई थी कि शायद दो ही प्लेयर एक टीम जो है वो रिटेन कर पाए या तीन ही प्लेयर एक टीम जो है वो रिटेन कर पाए, लेकिन जो रीसेंट अपडेट है बहुत ही बड़ी खबर है वो ये कि यहाँ पर एक टीम पांच प्लेयरों को रिटेन जो है वो करने वाली है। और अगर ऐसा रूल आता है तो तीन टीमें हमें नजर आ रही हैं जिनको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, जिनके लिए काफी अच्छी खबर होने वाली है। उन तीन टीमों की बात करें, सबसे पहली टीम है चेन्नई सुपर किंग की टीम। इनके पास भी काफी अच्छे अच्छे प्लेयर है जिन्हें ये टीम जो है वो रिटेन करना चाहेंगी, जिनमें ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, MS धोनी, मथीसा पथिराना, रविंदर जडेजा, ये पांच ऐसे खिलाड़ी है जो कि कंफर्म लग रहा है चेन्नई सुपर किंग की टीम इन्हें ही रिटेन करेगी। तो इस खबर से चेन्नई सुपर किंग की टीम भी काफी खुश होगी। इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो इनके पास तो सात आठ ऐसे प्लेयर है जिन्हें ये टीम रिटेन करना चाहेंगी, तो KKR के लिए भी ये काफी अच्छी खबर जो है वो नजर आ रही है। और तीसरी टीम है मुंबई इंडियंस की। मुंबई इंडियंस के पास हमेशा से ही अच्छे अच्छे प्लेयर होते हैं, अभी भी इनके पास बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्लेयर है, तो इस रूल का पांच प्लेयर रिटेन करने का फायदा मुंबई इंडियंस की टीम भी काफी अच्छे से उठाने वाली है। तो अगर पांच प्लेयर रिटेन होते हैं तो चेन्नई सुपर किंग, KKR और मुंबई इंडियंस को काफी फायदा होने वाला है। आपको क्या लग रहा है इनमें से कौन सी टीम को सबसे ज्यादा फायदा है और कौन सी टीम ऐसी है जिसको नुकसान होगा कमेंट कर हमें जो है वो जरूर बताएं। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।